दोस्तों इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े दो सुपरस्टार्स की दो बड़ी मूवी जिसका नाम है सलार और जवान, और ये दोनों ही मूवी एक ही महीने में लगभग एक ही साथ रिलीज होने जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि आज के दिन जितना क्रेज सुपरस्टार प्रभास की सलार मूवी का है उतना ही क्रेज सुपरस्टार शाहरुख खान की जवान मूवी का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जवान मूवी के अंदर जो सुपरहिट गाने हमें सुनने को मिलेंगे तो हो सकता है सलार मूवी के अंदर हमें उतने अच्छे गाने ना सुनने को मिले। फिलहाल जवान मूवी का एक नया सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिसका टाइटल है जिंदा बंदा, जो कि एक पार्टी सॉन्ग है और हर जगह ये धूम मचाने वाला है। हालांकि इस सॉन्ग के लिरिक्स इतने अच्छे नहीं हैं जो कि लोगों के दिलो दिमाग पर और जुबान पर चढ़ जाए, लेकिन ये एक पार्टी सॉन्ग है, लोग जमकर इस पर डांस करने वाले हैं। वही मैं आपको बता दूं कि जिंदा बंदा वही गाना है जिसके पीछे लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 5,000 से ज्यादा डांसर इस गाने के लिए शामिल किए गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इस गाने को शूट किया गया है, जो कि हम गाने के अंदर देख भी सकते हैं। और पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि इस गाने के बाद और जो जवान के गाने आएंगे वो ज्यादा बड़े ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट होंगे और लोगों की जुबान पर भी चढ़ जाएंगे, जैसे कि पठान मूवी के सॉन्ग भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। और हफ्ते या 10 दिन के बाद हो सकता है कि हमें जवान मूवी का दूसरा सॉन्ग भी सुनने को मिल जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि जवान एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर हमें हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों को दिलचस्पी है इस चीज में कि जो इस मूवी के अंदर भिड़ंत होने वाली है सुपरस्टार विजय सेतुपति वर्सेस शाहरुख खान की, उसको देखने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और ज्यादातर ऑडियंस इन्हीं दोनों की फाइटिंग देखने जाने वाली है। तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जवान मूवी का पहला सॉन्ग कैसा लगा और आपको पसंद आया या नहीं, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताना कि आप जवान मूवी को देखने वाले हो या नहीं, और अगर देखोगे तो विजय सेतुपति की वजह से देखोगे या फिर शाहरुख खान की वजह से देखोगे, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।